हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्याज और टमाटर की चटनी कैसे बनाई जाती है। आप इसे किसी भी पकौड़े, समोसे या फिर मोमोज के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम टाइम में बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्याज की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। एक कटा हुआ प्याज, चार लहसुन की कली, थोड़े से अदरक, पांच हरी मिर्च, एक टमाटर। सारे इंग्रेडिएंट्स को जार में डालेंगे और बारीक पीस लेंगे। जैसे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और स्वाद अनुसार नमक, ये चीजों को एक साथ मिक्स करते हुए बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे एकदम बारीक पीस चुका है। इसे अब एक बोल में निकाल लेंगे। तो देखिए, टमाटर और प्याज की चटनी बनकर तैयार है। आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो आप भी ये चटनी अपने घर पे बनाइए और मोमोज, समोसे या फिर पकौड़े के साथ खाइए। यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।